हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एंजल राय और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए क्या करती हूं। तो मैं ज्यादा कुछ तो करती नहीं, पर हाँ मैं एक रेमेडी जरूर यूज करती हूँ हफ्ते में एक बार, और वो है उबटन। और इसकी अच्छी चीज ये है कि इसे बनाने के लिए ना तो कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ता है और घर में आराम से मिल भी जाती है चीजें जो इसे बनाने के लिए लगती है। और अच्छी बात ये भी है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि लड़की ही यूज करे, सभी यूज कर सकते हैं, किसी भी मतलब एज के इंसान यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनता है और इसके बारे में और भी चीजें। तो ये रहा हमारा सामान, और सबसे पहले आता है इसे बनाने के लिए हल्दी, देन आता है कच्चा दूध, इसकी जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बेसन, इसकी जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा गुलाब जल, इसकी जगह पानी मत यूज़ करना प्लीज़, सिर्फ गुलाब जल, ओके। फिर आता है नारियल तेल, और नारियल तेल ना हो तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए, एक जगह बनाने के लिए खाली कटोरा भी चाहिए, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बेसन डालने से। तो हमें, आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता है आपको कितना चाहिए, पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इसे बना रहे हैं, तो आप थोड़ा ही लें। और मैं अपनी स्किन पे लगाने वाली हूँ तो मैं 2 चम्मच लूँगी, क्योंकि बहुत है ये 2 चम्मच। 2 चम्मच बेसन डाल दिया है, इसके हिसाब से मैं सिर्फ 1 चुटकी हल्दी डालूँगी। तो 1 चुटकी सिंदूर मांग की कीमत तुम क्या चाहते हो रमेश बाबू, हल्दी चाहिए सिंदूर मत डालना, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा गुलाब जल, तो हम सिर्फ इसे एक ही ढक्कन डालेंगे, ओके। इसके बाद हम नारियल तेल डालेंगे, और इसकी हम कुछ ही ड्रॉप्स डालने वाले हैं। सो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, ताकि हम इसे जब उतारने का टाइम आए तो ये आराम से उतर जाए। और अब हमारा बचा है सिर्फ दूध, तो इसे हम डालेंगे, और इसे इतना डालना है ताकि ये आराम से चेहरे पे लग जाए आपका। तो मुझे लगता है इतना बहुत हो गया है मेरे, थोड़ा सा और मैं डाल लेती हूँ ताकि बस। तो अब ये मेरे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है, ये ऐसा दिख रहा है, देखिए, ना ही ज्यादा गीला और ना ही ज्यादा थिक। ये सो अब मैं इसे फाइनली अप्लाई करने जा रही हूँ, और इसे मैं ब्रश से लगाऊंगी। तो अगर आपके बाल बड़े हैं तो अपने बाल बांध लो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे जब आप इसे लगाए तो आपके मुंह पे आए, बाल पे लगे और हर जगह लग जाए कहीं ना कहीं। तो इसे हम लगाएंगे, और एक और बात, अपना मुंह धो लें, और मैं अपना मुंह धो के आई हूँ, और उसके बाद ही आप इसे लगाएं। और मेकअप के ऊपर ना लगाएं इसे, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा, आप इसे बिल्कुल बेयर फेस के ऊपर लगाएं। तो इसे हम लगाते हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने लगा लिया है अपनी स्किन पे ये पूरा, और इससे आपकी स्किन पे ग्लो भी आ जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगी आपकी स्किन, मतलब सब कुछ घर का है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसे कितनी बार भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी इसे छोड़ दूंगी सूखने के लिए, और इसे हम जब तक ये सूख नहीं जाता, आई गेस 10 मिनट में ही सूख जाएगा। और ये पूरा सूख चुका है और मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं अभी इसे धोने जा रही हूँ, और इसे हम धोएंगे नॉर्मल पानी से। आप इसे छुड़ा के भी धो सकते हैं ऑयल से, पर मैं नॉर्मल पानी से धोना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो चलो धोते हैं। सो गाइस, अभी मैंने अपना फेस धो लिया है और पूछ भी लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और ये एक बार में इसका आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा इतना, इसलिए आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा इसे। तो आप एक हफ्ते में 2 बार या जितनी बार भी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। और जब उतारते वक्त ना अपने स्किन पे ज़्यादा रब, या फिर अपने स्किन पे ज़्यादा धोते वक्त प्रेशर मत डालना, और आराम आराम से धोना, मसाज कर करके बिल्कुल आराम आराम से, ताकि स्किन को आपकी डैमेज ना हो और ज़्यादा वो ना हो, रेडनेस ना आए ज़्यादा धोने पर। तो आराम से नॉर्मल पानी से आप धोइए, और मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने मुँह को, ताकि ड्राई महसूस ना हो आपको। और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी,
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप और वीडियो देख पाएँ आगे, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए ध्यान रखें आप सब अपना, एंड बाय बाय, लव यू ऑल.